आज बात करेंगे ईद के कुछ सच्चे तथ्य पे, और शायद वो बात कई लोगों को अच्छा ना लगे। जी हाँ, हमारे यहाँ ईद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, और मैंने इस ईद में कई सारे हिंदू भाइयों को देखा, दोस्तों को देखा कि वो मुसलमानों वाली टोपी पहने हुए ईदगाह बधाई दिए और अपने मुस्लिम भाइयों के साथ गले मिले और ईदी भी दिए और उनके यहाँ जाकर खाना भी खाए। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज ईद के साथ साथ परशुराम जयंती भी थी, तो ये बताइए कितने सारे आपके दोस्त, मुसलमान दोस्त, आपको श्री परशुराम जयंती का बधाई दिए, और कितने लोग आपके साथ आपका भगवा गमछा सिर में बांधकर और माथे पे चंदन टीका करके आपके साथ मंदिर या किसी भी धर्मस्थल पे जाके आपके साथ रामायण या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन शायद ही आपको सुनने में अच्छा ना लगे। आप खुद सोचिए कि आपके मुस्लिम भाई या दोस्त कितने हैं ऐसे जो कि आपके साथ मंदिर में जाके प्रवेश करके माथे पे चंदन लगा के, सिर पे भगवा गमछा बांध के हनुमान चालीसा या रामायण का पाठ पढ़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने कई सारे अपने ही दोस्त मैंने देखा कि वो टोपी धारण करके और मुस्लिमों को बधाई दे रहे थे, और वो एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्त, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वाक्य आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आप सभी को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय श्री राम।